अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आज का व्लॉग शुरू हो रहा है शाम से, शाम के 6 बज चुके थे। आज पता नहीं मेरे को खाना बनाने बहुत ही बोर हो रहा था और साथ में मैं चाय भी पी रही थी। चाय पी लूँगी, थोड़ी एनर्जेटिक फील करूँगी, तब खाना बनाने खड़ी हो जाऊँगी। अब मैं फटाफट खाना बना रही हूँ। ये मेरा ना हरा कीमा जो होटल स्टाइल होता है, मैं वैसा बना रही हूँ जो मुंबई में मिलता है होटलों में। ये जो कीमा मैंने आधा किलो ले ली हूँ, इसमें जो सुबह की भाजी होती है ना, वो मैंने एक भाजी ले ली हूँ। उसको सुबह की भाजी को मैं अच्छे से बारीक बारीक काट के मैं इसको कीमे के साथ ही धो दूँगी। अब मैं तेल चढ़ा दी हूँ, इसमें तेल जो है थोड़ा ज़्यादा चाहिए। और तेल में मैंने ज़ीरा और तेज़ पत्ते आते हैं मैंने वो डाल दी हूँ, और बड़ी इलायची, छोटी इलायची और जो हमारे जो नॉर्मल गर्म मसाला मैंने वो सब डाल दी हूँ। और 3 बड़ी प्याज मैंने काट दी हूँ और उसको मैंने बिस्ते की तरह काटी थी, उसको मैंने तेल में डाल दी हूँ। अब तेल में इसको अच्छे से मिलाऊंगी, थोड़ा सा गोल्डन होगा जब तक मैं इसको रहने दूंगी। मैं अपने साथ में आटा भी गूंथती जा रही हूँ, क्योंकि रोटी बनानी थी मुझे। आप लोगों को बता दूँ, जब मैंने जिम ज्वाइन की थी उससे लेके अब तक मतलब एटलीस्ट 2 हफ्ते हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आधा किलो वेट अपना लॉस कर लिया है। आधा किलो भी बहुत होता है, शुरुआत में इंसान मेहनत करता है, उसको आधा किलो जब गिरता है ना तो बहुत खुश होते हैं, खुशी मिलती है। अब ठीक है, अब रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। अब मैंने ना कीमा जो धोई थी वो मैंने हिस्सा ऐसा हो गया था ब्राउन प्याज, अब मैंने उसमें डाल दी कीमे को। कीमे का जो आँच है वो तो फास्ट पे रखना है गैस को, ताकि ना जो पानी छोड़ेगा तो वो अच्छे से सूखना चाहिए। देखिए पानी छोड़ रहा है, मैं अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ और इसी पानी में जो है ना कीमा अपने ही जो पानी छोड़ता है उसी में पकेगा। मैं अदरक का पेस्ट डाल दी, अच्छे से इसको हिला दूँगी। और नमक भी डालना है और करी पत्ते के मतलब 8-10 करी पत्ते हैं वो भी डाल दें। आज मैंने सुबह में 2 बॉयल अंडे खाई थी नाश्ते में, और दोपहर में इतना गर्म हो रहा था मैं जिम से आके, तो मुझे कुछ खाने का दिल नहीं हो रहा था। तब मैंने छाछ पी ली, इसलिए मुझे भूख लग रही थी, इसलिए मैं जल्दी खाना बना रही थी आज। अब देखिए जो मैं धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर में डाली हूँ, और जितना आप तीखा खाते हैं उस हिसाब से मिर्ची डालना। मैं 3-4 डाली हूँ, क्योंकि मैं हमको ज़्यादा तीखा नहीं खाता है। और रोटी भी साथ में, मैं आटा भी जो है साथ में मतलब पेड़े बना बना के रख रही थी, ताकि फटाफट एक तरफ कीमा होता रहेगा तो मेरी रोटी भी एक तरफ आसानी से बनती जाएगी, दोनों चीज़ साथ में बन जाएगी तो काम जल्दी हो जाएगा मेरा। और मुझे फिर जल्दी भूख भी लग रही थी तो मैंने जल्दी खाना भी खा लूँगी। तो बचा हुआ आटा था उसको मैंने सुबह के लिए अच्छे से कवर करके फ्रिज में रख दिया। और कीमे को नहीं, कीमे में ना भुनाई बहुत अच्छी होती है, इसमें अच्छे से भूनना पड़ता है। इसको देखिए मैं 5-7 अच्छे से भून रही हूँ। अब ढक्कन डाल के इसको 5 मिनट कुक करूँगी। देखिए तेल जो है सेपरेट हो चुका है, आपको दिख रहा होगा। अब मैं इसको अच्छे से फास्ट पे जो है भूनूंगी इसको, और ये कीमे को जितना भूनेंगे ना टेस्ट उतना अच्छा आएगा। अब इसमें दही डाल दूँगी मैं। अब एक कटोरे का हिसाब पकड़िए, एक कटोरे अब दही डाल दे इसके अंदर, और फिर दही के बाद उसे अच्छे से दही का पानी सूखे जब तक उसको अच्छे से भूनना है। फिर इसमें जिस सौंफ का पाउडर है, मैंने सौंफ का पाउडर डाल दी, दरा सा सौंफ का पाउडर बनाया हुआ है मेरे पास, मैं वो डाल दी हूँ। और एक कसूरी मेथी है, कसूरी मेथी भी डाल दें। कसूरी मेथी सौंफ का पाउडर एंड में डालते हैं, उसको इतनी अच्छी खुशबू आती है, एकदम वो होटल स्टाइल का ही कीमा लगता है। अब हम आधी गिलास पानी डाल के कीमे को अच्छे से 15 मिनट के लिए दम कर देंगे।